नर्सिंग कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2021 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्राप्त करने वाली नैनीताल स्थित बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में लंबे समय से नर्स के रूप में तैनात मैट्रन शशिकला पांडे को आज नैनीताल के जाने माने आशा फाउंडेशन द्वारा टोकन ऑफ लव देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान को देने से पहले फाउंडेशन की अध्यक्ष आशा शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति अवार्ड मिलने के बाद कोई भी प्रशस्ति पत्र मायने नहीं रखता। राष्ट्रपति अवार्ड अपने आप में ही सर्वोच्च है, इसीलिए मैट्रन शशिकला को हम उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक छोटे से तोहफे के साथ अपना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज सेविका के तौर पर जिस तरह शशिकला दिन रात अस्पताल में मरीजों की सेवा करती हैं, वो वाकई एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि मीडिया का रोल भी समाज में बेहद मायने रखता है, पत्रकार भी समाज सेवक होते हैं, इसलिए आज समाज सेविका मैट्रन को अगर समाज सेवक के तौर पर अग्रणी भूमिका निभाने वाली मीडिया अपने हाथों से तोहफा दे तो ये और भी ज्यादा गर्व की बात होगी। सम्मान देने के लायक तो मैं ये नहीं हूँ कि मैं आपको किसी से ऑनर करूँ, इससे शशि, पर एक प्यार है जिसको दिल से मैं इसको देना चाहती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी जो ताकत यहाँ पे रही, मेरी जो साथ में स्ट्रेंथ है, वो तो मेरी सारी यहाँ बैठी हुई मुन्नी आंटी है, ईशा है, नीरू जी हैं, आप सब सारे मेरी सारी स्ट्रेंथ होगी दिखा। लेकिन इन सब में जो सबसे ऊपर में स्ट्रेंथ, मेरा जो काम चल रहा है उसके अंदर मेरे तीन पिलर हैं, मुझे प्रशासन से, मुझे स्वास्थ्य विभाग से मेडिकली, और मेरा सबसे ताकतवर जो मेरी स्ट्रेंथ वो मेरा मीडिया है, जो मेरे हर कदम पे सांस सांस के साथ है, मेरे साथ चलता है। उनको मुझे साल का एक जब एंड होता तो मुझे लग रहा था कि एक बार सबसे मैं मिलूं भी, अभी नया साल शुरू होने वाला था और एक सबसे अच्छी खुशी के साथ में मिला जाए। तो मेरे तीनों पिलरों के साथ में उनका हमेशा दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करती रहती हूँ मैं, और आज मुझे ये मौका मिला करने का तो उन्हीं के उपलक्ष्य में। और ये जो सम्मान है, समाज सेवा क्या होगी, समाज सेवा मेरी समझ में समाज को जो हम देने का काम करते हैं उसमें समाज सेविका के रूप में हम बाहर निकले हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा समाज सेवक ये मेडिकल डिपार्टमेंट जो बैठी हुई है, और उन सबसे बड़ा समाज सेवक जो हमारी बात घर घर तक पहुंचाते हैं जो हम कर रहे हैं वो मीडिया वाले। तो मेरी दिल से इच्छा थी कि इस सम्मान को एक समाज सेविक की तरफ से दूसरी समाज सेविक को मिले वो। तो मीडिया का जो मेरे जो ये सारे भाई और जो बंधु मेरे बैठे हुए हैं ये सारे, इन पिलर से मैं ये गुजारिश करूंगी कि ये सम्मान में वो एक समाज सेविका को सम्मान दे। वहीं इस मौके पर नैनीताल के जाने माने इतिहासकार और पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत ने कहा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्राप्त करने वाली शशिकला दूसरी महिला मैट्रन है जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, यह हमारे नैनीताल के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोई भी मरीज पहुंच जाए, शशिकला हर मरीज की मदद करती हैं। कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी बताया। उन्होंने समाज में पत्रकारों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा कैंसर पीड़ितों की सेवा करने वाली डॉक्टर गीतिका गंगोला के निस्वार्थ सेवा भाव के कार्यों की भी जमकर तारीफ की। इस मौके पर अध्यापक और नैनीताल के हर मंच पर अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले हेमंत बिष्ट ने कहा कि बीडी पांडे अस्पताल में एक बार एक मरीज मैट्रन शशिकला को दिन रात सेवा करने के बाद भी किसी बात पर खरी खोटी सुना रहा था। उस वक्त शशि जी के धैर्य और सौम्य व्यवहार को देखकर मैं जान गया था कि ऐसे विरले लोग ही समाज की निस्वार्थ सेवा करके नाम कमाते हैं। नर्सिंग में धैर्य रखना, सबको सम्मान देना और विपरीत परिस्थितियों में भी सबकी मदद करना शशिकला से सीखा जाए। आपको बता दें कि मैट्रन शशिकला को राष्ट्रपति सम्मान और आज आशा फाउंडेशन द्वारा टोकन ऑफ लव उनके मरीजों के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया। आपको बता दें शशिकला पांडे को बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में 20 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कोविड जैसे मुश्किल हालातों में भी अपनी सेवाएं दी और कोविड संबंधित गतिविधियों में भी काम किया, जिसके चलते वो कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र से भी सम्मानित हो चुकी हैं। वहीं उन्होंने एक नेत्रहीन विकलांग व्यक्ति को 26 दिन तक अपनी अनुकरणीय सेवाएं प्रदान की। मरीजों के प्रति उनके इसी समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। यही नहीं, शशिकला पांडे की एक बेटी विकलांग है और घर में परिस्थितियां ठीक नहीं होने के बावजूद हर मरीज की सेवा अच्छे से करती हैं। ये भी बताया गया है कि मरीजों के सेवा में वो 4-4 घंटे तक लगातार खड़ी रहती हैं। जगन की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।